2024 तक गुमला जिला को यक्षमा मुक्त बनाने को लेकर सोमवार को लोहरदगा रोड सुहाग कॉम्प्लेक्स में रिच संस्था के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय यक्षमा उन्मूलन में मीडिया की भूमिका। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला यक्षमा पदाधिकारी के मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2024 में गुमला को पूर्ण रूप से यक्षमा मुक्त की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया गया है। गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यक्षमा मुक्त अभियान में मीडिया की भूमिका अहम है। 2024 तक भारत से टीबी को मुक्त करना है। इस कार्य में हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मेरा जो गुमला जिला है, हम लोग झारखंड के निवासी हैं, हमारी इच्छा है कि सबसे पहले गुमला को हम टीबी मुक्त करें। मेरा नाम निर्मल क्रिकेटा है। मैं 2015 में टीबी पेशेंट था और 6 महीने दवाई खाने के बाद ठीक हुआ हूं और ठीक होने के बाद आज मैं नेशनल फोरम का मेंबर हूं और मेंबर होते हुए मैं पूरे जनहित में जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि भारत से टीबी मुक्त 2025 तक टीबी मुक्त हो पाए। गाँव में मैं टीबी मुक्त करने के लिए जागरूक कर रहा हूँ, टीबी के लक्षणों से अवगत कर रहा हूँ लोगों को और जो संभावित मरीज मिलते हैं उन्हें मैं स्वास्थ्य केंद्र तक लाने में मदद करता हूँ। क्या नाम है? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।